चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर, दुर्ग के जंजगिरी पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्होंने निभाई सोटा सहने की परंपरा। वीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री की कलाई पर सोटा मारा। तो ये तस्वीरें अब देखें जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कलाई पर वीरेंद्र ठाकुर ने, चूंकि उन्होंने ये परंपरा निभाई है, सोटा मारने की परंपरा वीरेंद्र ठाकुर ने निभाई और सहने की परंपरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निभाई है और उनकी कलाई पर सोटा मारा गया है। कहा यह जाता है कि सालों से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। दिवाली के एक दिन बाद ये परंपरा निभाई जाती है, इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस परंपरा का निर्वहन करते हैं क्योंकि ये परंपरा प्रदेश की खुशहाली के लिए निभाई जाती है। साथ ही मनोकामना जो भी मांगी जाती है वो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं इस परंपरा को निभाने से। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, चमोली से आ रही है, जहां बद्रीनाथ के कपाट आज बंद रहेंगे। सूर्य ग्रहण के चलते कपाट बंद रहेंगे। बद्रीनाथ के कपाट, आपको बताएं कि फिर से शाम को 6 बजे खोल दिए जाएंगे। शाम 6 बजे बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तो जो आज आखिरी सूर्य ग्रहण, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो कि शाम तक रहेगा, जिसके चलते जितने भी मंदिर हैं, चाहे अगर हम बात करें केदारनाथ धाम की या फिर बात करें हम बद्रीनाथ धाम की, तो सभी कपाट जो है मंदिरों के वो बंद रहेंगे। बद्रीनाथ धाम में भी कपाट फिलहाल बंद रहेंगे और ये जो कपाट है शाम को 6 बजे खोल दिए जाएंगे। वहां पर पहले साफ सफाई की जाएगी, उसके बाद ही पूजा अर्चना के बाद ही यहां पर श्रद्धालु पहुंच सकेंगे, पूजा अर्चना में शामिल हो सकेंगे, आरती में शामिल हो सकेंगे शाम को श्रद्धालु। तो शाम के वक्त खुलेंगे कपाट, सूर्य ग्रहण के चलते बद्रीनाथ के जो कपाट है वो बंद रहेंगे।